रमेश क्लब जा रहे हो क्या? आज हम लोग दिव्यानी के घर गए थे। कोई नई बात है? वहां तो अक्सर जाते रहते। नई बात ही है। दिव्यानी ने कहा था कि पिंकी की शादी पर और गहने मत बनवा। तो ना बनवाए। लेकिन क्यों, उसे दुल्हन बगैर गहनों की बना देंगे? दिव्यानी तो अब गहने पहनती नहीं, इसलिए वो चाहती थी कि अपने तमाम जेवरात पिंकी को पहनाए। जब कहा है तो पहना भी देगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशान होने की बात यह है कि उसका ज्वेलरी बॉक्स खाली है, उसकी तिजोरी में एक रुपया भी नहीं है। आखिर तिजोरी खाली कैसे हो गई? इतने सारे गहने और रुपए गए कहाँ? मुझसे क्या पूछ रही है, मुझे क्या मालूम? हमने कब कहा कि तुम्हें मालूम है? तो फिर कहना क्या चाहते हैं? बार बार पूछे पूछे हमें क्यों नहीं बताया? वो इतनी अपसेट थी, रो रही थी। मेरे पास ऐसा तो कोई नुस्खा नहीं जो उसके रोने को हंसी में बदल डाले। लगता है उसे रोने से इश्क हो गया है, इश्क। मुंह से अच्छी बात नहीं निकाल सकते तो कम से कम बुरी से तो परहेज कर सकते हैं ना। वो बात छुपा क्यों रही है, वो क्यों नहीं बता रही है? शायद तुम्हें कुछ। कमाल करते हैं आप, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? अरे हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, आप नाराज क्यों हो गए? अगर नहीं मालूम तो सीधी तरह कह दीजिए कि नहीं जानते। इतना अपसेट होने की क्या बात है? मुझे क्या जरूरत है अपसेट होने की? छोटी बहन की तिजोरी खाली हो गई, उसमें से रुपए और जेवरात गायब हो गए, ये सब जानने के बाद भी ना तुम्हें हैरत हुई ना फिक्र? तो मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मेरे फिक्र करने से वो सब वापस लौट आएगा? तो फिर कर लेता हूँ फिक्र, सर पे हाथ लगा के बैठ जाऊं। वाह नरेश वाह, बड़े बड़े कैरेक्टर देखे मैंने जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे जैसा विचित्र इंसान नहीं देखा। अब तो देख लिया ना, तो अब मैं जाऊं, देर हो रही है। ब्लडी हेल। करुणा, ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। ठीक है, सैलरीज दे दीजिए। सर वो कैश चाहिए। कैश? 11 लाख कैश बैलेंस आपके पास है? सर वो बुक्स में तो है लेकिन मेरे पास नहीं। What do you mean? सर वो मिस्टर नरेश ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे और ये प्रॉमिस किया था कि वो सैलरी डे से पहले वापस कर देंगे। आज जब मैंने उनसे मांगे तो मुझसे नाराज हो गए और बोले कि ये मेरे नाम पे डाल दीजिए। 10 लाख रुपए आपने उसे दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? सर मिस्टर नरेश ने मुझसे मना किया। कहाँ है वो? सर वो अपने केबिन में। नरेश मल्होत्रा, what do you mean? क्या हुआ मिस्टर अशोक मल्होत्रा, तबीयत तो ठीक है आपकी? Shut up! Language, language बड़े भैया, ये घर नहीं ऑफिस है। Language? अच्छा, language तो मुझे सिखाएगा। मेरी इजाजत के बगैर ऑफिस से इतना रुपया क्यों लिया? जरूरत थी ले लिया, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जरूरत है, हम एक दूसरे की मर्जी के बगैर ऑफिस से इतना रुपया नहीं ले सकते। आप नहीं ले सकते होंगे, मैं ले सकता हूँ। क्यों, तुम अकेले मालिक हो क्या? मालिक तो हूँ, अकेला ना सही। तुमने इतनी बड़ी रकम क्यों ली? कहा ना जरूरत थी ले लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जरूरत थी। I demand an explanation. Explanation देना मेरी फितरत में नहीं है। You stupid, नारक। बड़े भाई को ऑफिस से निकल जाने के लिए कह रहे हो? ये ऑफिस है भाईचारा घर पे, यहाँ हम इक्वल पार्टनर्स है बस। तो फिर ऑफिस के रुपए वापस कर दो। नहीं है मेरे पास। ये देते वक्त सोचना चाहिए था। देते वक्त भी तो सोचा जा सकता है। कल मुझे ऑफिस के रुपए वापस चाहिए। मुझे सुनने लगे हैं आप, मैंने कहा नहीं है मेरे पास। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा नरेश। बुरा होगा ना, बुरा होगा ना, मैं देख लूंगा। नरेश तुमने इतने रुपयों का क्या किया, क्या ये भी नहीं बताओगे? नहीं। और दिव्यानी के जेवर और उन रुपयों का क्या हुआ, ये भी नहीं बताओगे? मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो। जरूरत पड़ने पर मैं झूठ भी बोल सकता हूं बड़े भैया। नरेश मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम अपना ये रवैया कब बदलोगे? मेरा रवैया मेरी जरूरत पर निर्भर करता है और अब वो कभी नहीं बदलेगा। नहीं सुधरोगे।
कहां मर गई है देवयानी। हुआ क्या बता तो, रो क्यों रही है इस तरह? रोंगी नहीं तो क्या करूंगी ताई, मैं बर्बाद हो गई। क्या अनाप शनाप बकरी है, देवयानी ने तुझे निकाल दिया है क्या? वो खुद निकल गई, घर छोड़ के चली गई। क्या बकरी हो कमला, तुम होश में तो हो? मैं बराबर बोलती हूँ, ताई बोली कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता है, मैं जा रही हूँ। साल भर के अंदर अगर नहीं आई तो समझ लेना कि वो इस दुनिया में नहीं है। ओह माय गॉड, हमारे दुखों का अंत है भी या नहीं? मेरा कलेजा पड़ा जा रहा है, मुझे मेरी ताई चाहिए, मुझे मेरी ताई। अरे कमला तुम रो क्यों रही हो? क्या बोलेगा साहब, मेरा तो नसीब ही फूटा है, ताई साहब घर छोड़ के चले गए। लेकिन वो घर छोड़कर क्यों चली गई? पता नहीं, देखिए ये चिट्ठी तोड़ गई। देखिए तो शायद इसमें कुछ लिखा हो। नरेश भैया, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिए थे, मुनासिब गैर मुनासिब तुमने जो भी कहा मैंने किया, तुम रिहा हो गए, लेकिन मैं अपने एहसासे गुनाह के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो गई। तुम्हारी रिहाई की मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि एहसास से गुनाह दुगना हो गया। मैं जा रही हूं इस माहौल से बचने के लिए, इस गुनाह के दायरे से दूर, क्योंकि अगर मैं यहीं रही तो यकीनन पागलखाना ही मेरा अंत होगा। हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊं, हो सकता है मैं आदित्य के पास चली जाऊं, कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूं। ये जेवर पिंकी की अमानत है, उन्हें छुड़ाकर शादी से पहले उसे दे देना, और 5 लाख रुपए भी, इसमें बेईमानी मत करना नरेश, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी गुनेगार बहन देवयानी, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आंख खड़ी होती है। ये कौन से पापों की सजा मिल रही है हमें? अब कहाँ ढूंढने जाए उसे, कि कहाँ गई होगी वो। Send me a bottle of scotch, please. Thank you. Naresh, कहिए। खराब हो गया इसका, कुछ पता चला कहां गई है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। चल जाएगा, मैं कल ही इसे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। आपने टीवी पेपर्स वगैरह में खबर दे दी? हाँ। और पुलिस? हाँ, पुलिस को भी खबर कर दी है। गुड। नरेश, देवयानी के जेवर कहां है? देखिए भैया, देवयानी सिर्फ आपकी बहन नहीं है, मेरी भी है। जितना हक आपका उस पर है उतना ही मेरा भी है। मुझे जरूरत थी, मैंने ले ली। पिंकी की शादी के पहले वापस आ जाएंगे।
और ऑफिस के 10 लाख? ऑफिस के 10 लाख का इश्यू मत बनाइए बड़े भैया, वो मेरे शेयर में बड़े इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। हमारे दरमियान पहले ही काफी रंजिशें पैदा हो चुकी हैं, उन्हें और बढ़ावा ना दें तो बेहतर होगा। हम तो रंजिश मिटाना चाहते हैं नरेश भैया। Then stop rubbing salt in my wounds. नरेश, हमारी ऐसी नियत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी रकम का क्या किया है? मुकदमे पर खर्चा किया भैया। मुकदमे का सारा खर्च तो ऑफिस ने किया था। आप फिर वही बात कर रही हैं भाभी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल मुकदमे का फैसला अदालत में कम और अदालत के बाहर ज्यादा होता है। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन दिव्यानी ने ऐसा क्या पाप किया है? ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसकी खुशियों में आग लग गई है? तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी वो भी हिस्सेदार है? कि आप दिव्यानी से पूछिए। लेकिन दिव्यानी तो यहाँ है ही नहीं। तो समझ लीजिए कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ। एक चोट में टूट गया तो मेरी क्या हालत हुई होगी? हाँ, मेरी क्या हालत हुई होगी? मुझे बुला रहा है। गाड़ी की चाबी जाग गया? सो जा। अभी इस दुनिया में इक्का दुक्का इंसान बाकी है, उसे मर जाने दे, फिर इंसानियत की लाश पर रोना। क्या कहना चाहता है तू? क्या है तेरे पास कहने को? चारों तरफ झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार। ऐसा है तेरा बनाया हुआ संसार, ऐसी है तेरी दुनिया। अगर ये पापी दुनिया तूने बनाई है तो फिर शैतान ने क्या बनाया है?
शैतान ने क्या बनाया है फिर? करिश्मा क्यों बंद कर दिया? कोई जवाब नहीं है तेरे पास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सब सपने बेचते हैं। तेरे ठेकेदार कह रहे थे कि तेरी मर्जी के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इंसान अपनी मर्जी कैसे कर सकता है? कहते हैं तूने सोचने के लिए अकल दी है। Who are you? Huh? Are you a sadist? Answer me! Answer me! Are you a sadist? Answer me! Answer me! I know you are a sadist. I know it. I know it. दिव्यानी के बारे में कुछ पता चला? हेलो दीदी, कुछ पता चला? नहीं बरखा, कुछ पता नहीं चला। नहीं, कोई खबर नहीं? मां, दिव्यानी दीदी का कोई पता नहीं चल रहा। क्या हो गया इस लड़की को? क्यों चली गई ऐसे? ये फूल किसने भेजे? एक आदमी ने। कौन आदमी? वो तो हमें मालूम नहीं। कहाँ है वो? वो तो चला गया। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे यहाँ कौन लाया? वही आदमी। हेलो मोटू। सॉरी, नहीं पहचाना? मोटू छोटू। कहाँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से और कहाँ से। मुझे मालूम है, सब मुंह से ही बोलते हैं। बताना जल्दी कहाँ से बोल रहे हो, मैं आती हूँ मिलने। क्यों जी, मैं नहीं आ सकता? बताते हो कि नहीं, I was never in need of a friend as I am now. इसका मतलब I'm still just a friend. आते हो कि नहीं? बचपन से लेकर आज तक कभी तुम्हारा हुकुम टाला है? हुकुम कीजिए सरकार। अभी तक फ्लैटरी वैसे ही? अभी तक वही हूँ, वैसा ही हूँ। तो आते क्यों नहीं हो? समझो आ गया। अब आंखें बंद करो। कर ली। अब फोन नीचे रख दो। रख दिया। अब एक से दस तक गिनो। एक, दो,